स्थान राजनगर पब्लिक स्कूल, समय 11:05 लंच टाइम। राज, राज कहाँ हो तुम? नेहा, तुमने राज को देखा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मनीष, तुमने देखा है क्या राज को कहीं? नहीं। अरे हाँ, याद आया, वो तो सीमा के साथ कैंटीन में बैठा है। क्या, सीमा के साथ? पर उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो आज लंच मेरे साथ। सोचते सोचते रिया की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए हुए रिया चुपचाप कक्षा में आकर अपनी सीट पर बैठ गई। बैठे बैठे वो पुरानी यादों में खो गई। वो, राज और सीमा तीनों राजनगर पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी थे। राजनगर पब्लिक स्कूल शहर का सबसे जाना माना स्कूल था, जिसमें सिर्फ पॉलिटिशियन, अधिकारियों और पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, जिनके स्टेटस का पता उनके चरित्र से नहीं बल्कि इस बात से चलता था कि कौन कितना बिगड़ा हुआ है। कुछ साल पहले इसी स्कूल में हुआ देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अखबारों की सुर्खियों में था। स्कूल की प्रतिष्ठा उच्च वर्ग में इतनी थी कि इसके बावजूद वहां अपने बच्चों का प्रवेश करवाने वालों की संख्या कम होने की बजाय हर साल बढ़ती ही जा रही थी। जिनके बच्चे का प्रवेश उस स्कूल में हो गया, वो अपने आप को सबसे खुशकिस्मत पेरेंट्स समझते थे, और जिसका नहीं होता था, उनको लगता था कि उच्च वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है और वो अपनी किस्मत को कोसते हुए किसी दूसरे स्कूल की तलाश करते थे। रिया, एक 17 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिस पर कुदरत ने खुलकर अपना रूप लुटाया था। 5 फुट 6 इंच लंबा कद, लंबे लंबे काले बाल, दूध में केसर मिले हुए जैसे गोरे गोरे गाल, गुलाब की पंखुड़ियों से खिले खिले होंठ, जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ बदन जो किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना दे। पर इन सबके बावजूद उसमें एक कमी थी। वो बहुत ही जिद्दी और गुस्से वाली लड़की थी, और जल्दी ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कई बार खुद का भी नुकसान कर लेती थी। बस एक राज ही था जिसे देखकर उसके दिल को सुकून मिलता था। राज, रिया का सबसे अच्छा दोस्त, 18 वर्ष का लंबा चौड़ा कसरती बदन वाला, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का, स्पोर्ट्स, डांस, हर चीज में वो नंबर वन था। इसीलिए क्लास की सारी लड़कियां उस पर दिलो जान से मरती थी। रिया भी मन ही मन उससे प्यार करती थी, पर कभी इजहार नहीं कर पाई थी। सीमा, 17 साल की लड़की जिसने उसी साल उनकी क्लास में एडमिशन लिया था, वो रिया जितनी ही सुंदर थी पर व्यवहार में उससे बिल्कुल अलग। जहां रिया हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी, वहीं सीमा हर बात को बड़ी ही खूबसूरती और समझदारी से संभाल लेती थी। किसी ने उसे कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उसकी इसी समझदारी भरी बातों ने जल्दी ही राज का दिल लुभा लिया था, और वो सीमा को अपना दिल दे बैठा था। रिया वही सब सोच रही थी कि सीमा के आने से पहले वो राज के साथ कितना खुश थी। दोनों हंसते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पर हमेशा साथ साथ रहते थे। जब से ये सीमा आई है तब से राज तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया है, और तो और आज मेरा जन्मदिन है, सीमा के चक्कर में वो ये भी भूल गया। सोचते सोचते गुस्से से रिया के सर में दर्द होने लगा। मुझे इस सीमा की बच्ची का जल्द ही कुछ इलाज करना होगा, रिया ने मन ही मन एक खतरनाक निर्णय ले लिया। अभी रिया ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही रिया ने आवाज सुनी वो चौंक गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो पाया सामने राज और सीमा खड़े थे। अभी वो भौचक्की सी ही खड़ी थी कि राज ने फिर से कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू रिया। अरे कहाँ खोई हुई है, और तेरी आंखों में ये आंसू, क्या बात है, क्या हुआ? वो मैं रिया के मुंह से आगे के शब्द जैसे मुंह में ही जम गए। क्या वो मैं? ओह अब समझा, सुबह से तुझे बर्थडे विश नहीं किया इसलिए रो रही है ना? अबे ढक्कन, वो तो मैं सीमा के साथ तेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। क्यों सीमा, अब तू ही समझा इस पागल को, राज ने सीमा को कुछ इशारा करते हुए कहा।
हाँ रिया, आज शाम को राज ने तेरे बर्थडे पर हमारे लोखंड वाला फार्म हाउस पर पार्टी रखी है। अपनी क्लास के सभी फ्रेंड्स को भी आने के लिए बोल दिया है। राज ने इसके लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी है। तुझे सरप्राइज देने के लिए बोल रहा था ये, पर तेरे आंसुओं ने सब गड़बड़ कर दिया, सीमा ने रिया को समझाते हुए कहा। क्या सच में राज, तुमने, पर तूने तो मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ओह थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच, कहते हुए रिया राज के गले लग गई। ओए बड़ी आई थैंक यू कहने वाली, वैसे भी थैंक यू मुझे नहीं सीमा को बोल, सारा इंतजाम इसी ने किया है। चल रोना बनकर अब, और शाम को भूल मत जाना, ठीक 8 बजे सीमा के फार्म हाउस पर आ जाना, राज ने रिया को अपने से अलग करते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी, रिया थोड़ा खुश होकर बोली। ओके बाय, चल अभी हम निकलते हैं, शाम के लिए बहुत तैयारी करनी है, चल सीमा चले, राज ने सीमा को इशारा करते हुए कहा। ओके राज, ओके बाय रिया, शाम को मिलते हैं, कहकर सीमा राज के साथ चली गई। सीमा और राज के जाने के बाद रिया न जाने कितनी देर तक राज के सपनों में खोई रही। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो एकदम से चौंक गई। देखा तो सामने विक्की था। विक्की स्कूल का सबसे बदमाश लड़का था, जिसका ध्यान पढ़ाई में कम और दादागिरी में ज्यादा रहता था। अक्सर क्लास की लड़कियों को छेड़ता रहता था। उसका बाप शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसे अपने बाप के पैसे पर बड़ा घमंड था, इसलिए कोई भी गलत कदम उठाते हुए उसके कदम कभी नहीं डगमगाते थे। रिया के कंधे पर हाथ रखे रखे वो अपने दांत निकाल कर बोला, क्या बात है जाने मन, किसके ख्यालों में खोई हुई हो, तुमसे मतलब, रिया उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से से बोली। मतलब तो बहुत है स्वीट हार्ट, राज के सपने देख रही हो ना, हाँ उस राज के जो तुमसे नहीं बल्कि सीमा से प्यार करता है, तुम खुद देख लो, बर्थडे तुम्हारा है और घूम वो सीमा के साथ रहा है, वो दोनों तो मेरे बर्थडे के लिए प्लान कर रहे हैं, रिया हकलाते हुए बोली। क्यों दिल को झूठी तसल्ली दे रही हो जाने मन, विक्की जोर से ठहाका लगाते हुए बोला। वैसे भी बर्थडे की प्लानिंग तो उसने पहले ही कर रखी थी, हम सबको इनवाइट भी कर दिया है, फिर अब ऐसा क्या करना बाकी रह गया है जिसकी वजह से उन्हें लंच में साथ में जाने की जरूरत पड़ गई, वो दोनों तो इस बहाने कहीं अकेले में मस्ती कर रहे होंगे। ये बात सुनते ही रिया का चेहरा एकदम से कोरे कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो विक्की को उसकी बात का जवाब देना चाहती थी पर कुछ कह ना सकी। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं सीमा को तुम्हारे और राज के बीच से हटा सकता हूँ, विक्की एकदम से उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला। ओ यू शट अप, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, रिया उसे अपने से दूर करते हुए बोली। कूल डाउन बेबी कूल डाउन, मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, रिया उसे कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज उठी। क्लास में एक एक करके सारे बच्चे आ गए। बाकी दिन रिया का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, सारा समय रह रहकर विक्की की बातें उसके कानों में गूंजती रही। वेल, अब क्या रिया विक्की का ऑफर मान लेगी, क्या विक्की राज और रिया के बीच में से सीमा को हटा पाएगा, ये तो कहानी में आपको आगे ही पता चलेगा। और उसे सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें।